हाय गाइस, माय सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। आज का टॉपिक है सेस्मोगेमी पॉलिनेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है, परागण जो होता है, उसमें आपको परागकण जो होते हैं एंथर से निकलकर वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पर परागण के जो प्रकार जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट टाइप्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं सेस्मोगेमी, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेंगे मीनिंग, आखिर सेस्मोगेमी का वर्ड मीनिंग क्या है। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, सेस्मो प्लस गेमी। सेस्मो का शाब्दिक जो मीनिंग होता है ओपन, और गेमी का मीनिंग होता है मैरिज या यूनियन या यूनाइट, यानी दोनों का एक साथ आना। तो इसका एक लाइन में जब इसको कहा जाएगा सेस्मोगेमी को डिफाइन करने के लिए, तो यह है ओपन मैरिज। अब बात यहाँ पर ही है कि मैरिज शब्द आ रहा है ताकि शादी किसका होना है, और वो भी ओपन खुला खुला होना है। तो शादी जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन में है उसमें आपको ओव्यूल और पोलन ग्रेन जो होते हैं वे यूनाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं और जायगोट का निर्माण करते हैं। ये दोनों की शादी होना है, कैसा शादी होना है, ओपन होना है। आप जानते हैं कि जो ओव्यूल है नन मोटाइल है, गमन नहीं कर सकता है, सिर्फ जो पोलन ग्रेन है वो मोटाइल है, अर्थात कि पोलन ग्रेन को स्थानांतरित होकर कहां तक पहुंचना है, ओव्यूल तक पहुंच रहा है, और वो किस माध्यम से पहुंचेगा, पॉलिनेशन के माध्यम से पहुंचेगा, और ओपन कर रहा है। इसका मतलब है कि परागकण जो है किसी भी पुष्प से आ सकते हैं, यानी पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी दूसरे पौधे के पुष्प से परागकण आ सकते हैं। तो जब एक कंडीशन होगा तो एक कंडीशन क्या जस्टिफाई करेगा, क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा शब्द हो सकता है इट्स कम्स फ्रॉम सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी उसी पौधे के उसी पुष्प से भी हो सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको आउटोगेमी कंडीशन। इसलिए सेस्मोगेमी जो है ओपन मैरिज है, इसमें परागकण कहीं से भी किसी पुष्प से भी आ सकते हैं। यदि वह उसी पुष्प से आ रहा है तो यह रिप्रेजेंट करेगा आउटोगेमी, यदि वह दूसरे पौधे के पुष्प से आ रहा है तो यह रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस पोलिनेशन। तो चलिए सेस्मोगेमी का थोड़ा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फ्लावर ले लेते हैं, तब आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया कार्पेल, ये स्टामेन हम लोग बना लिए, ये इसका पेटल हो गया है। ओपन क्यों है, क्योंकि यह ओपन है यानी एक्सपोज है, ओपन है। इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो स्टामेन और कार्पेल है दोनों क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। तो जब खुला हुआ है तो बाहर से भी कोई परागकण ट्रांसफर होके इसके स्टिग्मा तक पहुंच सकता है, और इसका ये जो एंथर है इसका भी परागकण निकलकर इसके स्टिग्मा तक पहुंच सकता है। यदि बाहर के सोर्स से आ रहा है तो वह हो जाएगा आपको क्रॉस पोलिनेशन, और यदि विद इन सेम फ्लावर आ रहा है तो ये सोर्स हो जाएगा आउटो गेमी। तो इस प्रकार का जो पुष्प जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेस्मोगेमस फ्लावर। और सेस्मोगेमस फ्लावर का कॉमन एग्जांपल है मूंगफली, ग्राउंडनट। इसको एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं, दोनों चांस इसका है, यानी दो तरीका से बिहेव कर सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी और आउटोगेमी भी, यानी सेल्फ पोलिनेशन भी। मेजर पॉइंट है आपका सेस्मोगेमी का। दूसरा है कि यह इसके जो फ्लावर होते हैं कलरफुल होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से सेस्मोगेमी पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे
यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।